क्वेश्चन है डेटाबेस का। डेटाबेस में आपने कुछ चीजें याद रखनी हैं। वो क्या हैं जी? सबसे पहले डेटाबेस का नेम, ठीक है, ये आपको कैपिटल लेटर में नेम गिवन होगा क्वेश्चन के साथ। और ये एक आपको टेबल गिवन होगा। इस टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं जिनको आप फील्ड्स कहते हैं। ये कॉलम है, एक कॉलम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। तो ये सेवन कॉलम या सेवन फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना? सो कॉलम इज कॉल्ड अ फील्ड। इसके अलावा इस टेबल के अंदर कुछ रैकेट्स भी होते हैं, जैसे ये पूरा एक रैकेट है, यहां तक कंप्लीट होता है, ठीक है? और सेकेंड रैकेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, यानी इस टेबल में एट रैकेट्स हैं, इसको आप रैकेट्स भी कहते हैं। और इसमें सेवन फील्ड्स हैं, कॉलम फील्ड्स, और रो जो होती हैं दे आर कॉल्ड रैकेट्स। तो अभी ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, गिव नंबर ऑफ फील्ड्स दैट आर इन ईच रैकेट, के कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं ईच रैकेट के अंदर, ठीक है? ओके, तो अब आपने बताना है जी सेवन, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड्स इन ईच रैकेट। देखो किसी भी रैकेट के अंदर फील्ड्स तो उतनी होंगी ना, कोई भी रैकेट ले लो, ये ले लो, अगर इसके अंदर भी फील्ड्स तो उतनी होंगी, सेवन की सेवन, ठीक है। सेकेंडली आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है प्राइमरी की के बारे में। मैं क्वेश्चन भी आपके सामने करता हूं, आपको क्वेश्चन नजर आ जाए, थोड़ा सा इसका मैं ये जी देखें, बी पार्ट में कहते हैं स्टेट विच फील्ड यू वुड चूज फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है, इनमें से कोई एक फील्ड होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें सेवन फील्ड्स हैं। एक ऐसी फील्ड होगी जिसका डेटा एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है? जैसे यहां पे एग्जांपल है ब्रोशर नंबर की, कि हर डेटा एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है? अनलाइक प्रॉपर्टी टाइप, ये देखो ये बैंगलोर है तो कोई और भी हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं है। अपार्टमेंट ये देखो तीन है, हाउस भी इसी तरह रिपीट हो रहे हैं, लेकिन देखो हर हाउस का जो ब्रोशर नंबर है वो डिफरेंट है, ये दूसरे हाउस का डिफरेंट है, इन हाउसेस का डिफरेंट है। इसी तरह अपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं लेकिन हर अपार्टमेंट का ब्रोशर नंबर डिफरेंट है। सो इसमें से आपने कोई एक फील्ड चूज करनी है, जैसे ये पूरी फील्ड या पूरा कॉलम है जिसके डेटा एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, ठीक है? तो पूरे डेटाबेस में एक फील्ड ऐसी गिवन होगी, ठीक है? या समटाइम आपको कहेगा कि आप खुद सजेस्ट कर दें कि कौन सी फील्ड इसमें ऐड करनी है, अगर उसमें पहले से वो मौजूद नहीं है तो। इस केस में यहाँ पे आपकी ब्रोशर नंबर, ठीक है? कहते हैं रीजन, रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें ईच डेटा एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है? सारे यूनिक हैं, ऑल आर यूनिक, तो ये इसका रीजन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, स्टेट द डेटा टाइप दैट यू वुड चूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। डेटा टाइप होता है कि किस तरह का डेटा उस फील्ड के अंदर है, जैसे इस फील्ड के अंदर कौन सा किस तरह का डेटा है, तो मुझे ये टेक्स्ट टाइप लग रहा है सारे का सारा, ठीक है? तो मैं सबके ऊपर इनका डेटा टाइप लिख देता हूं, जैसे इसका इस फील्ड का डेटा टाइप है टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर सारे टेक्स्ट हैं।
अच्छा, जहां पे अल्फाबेट्स और नंबर्स मिक्स हो उसको भी डेटाबेस में टेक्स्ट ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे नंबर्स हैं इस फील्ड के अंदर, तो इसका डेटा टाइप है नंबर और इसका भी नंबर ही है। ठीक है, सेम है। अब ये जो इस तरह के डेटा आते हैं ना, जहां पे यस नो होता है, ठीक है, वेर यू सी यस आर नो, इसके अलावा देर बी नो थर्ड ऑप्शन, तो आपके पास इसको कहा जाता है जी यस नो। द अदर नेम इज बुलियन, BOOLEAN, बुलियन वैल्यू भी या वन होती है या जीरो होती है। ठीक है, जिसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्राइस, प्राइस का डेटा टाइप होता है जी करेंसी। ठीक है, ये इनके हो गए जी डेटा टाइप। अब आपसे पूछता है जी के यहाँ पे गिराज का क्या है, तो गिराज का आप यस नो लिख सकते हैं या बूलियन भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ बेडरूम्स है, नंबर ऑफ बेडरूम्स क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि नंबर टाइप डेटा टाइप है से नंबर, और प्राइस का करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसको जरा सेट करता हूं। द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रेड बिलो सिलेक्ट्स ऑल हाउसेज विद मोर देन वन बाथरूम एंड मोर देन टू बेडरूम्स। अच्छा, ये क्वेरी है, यानी डेटाबेस को सर्च करना है। जैसे आप नहीं सर्च करते किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई मोबाइल अगर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप डिफरेंट ना क्वेरीज उसके ऊपर अप्लाई करते हो, फिल्टर कर रहे होते हो डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल जी मोबाइल प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, मॉडल क्या होना चाहिए, कंपनी नेम क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, इसकी रैम कितनी होनी चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज, आप वो फुल करते हो तो देन योर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स आर शोन, यानी जो आपको चाहिए होते हैं आपके सिर्फ वही शो हो रहे होते हैं। ठीक है, रेलेवेंट जितने भी, तो इसको कहते हैं जी क्वेरी बनाना। तो अभी क्वेरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है वो है इसका क्राइटेरिया। सबसे पहले अब क्राइटेरिया में कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी टाइप में ये लगा हुआ है हाउस होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ बेडरूम ग्रेटर देन टू हो और नंबर ऑफ बाथरूम्स ग्रेटर देन वन होने चाहिए। कहता है वो वाले मुझे सिर्फ डेटाबेस को फिल्टर करके बता दें कि वो कौन से रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि जिसके ऊपर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो। तो हम देखते हैं जी पहले हाउस को, ये तो स्ट्रेट अवे हमने खत्म ही कर दिया ना, बाकी तो अपार्टमेंट्स, क्योंकि उसने स्टार्ट ही हाउस से किया है, उसने कहा हाउस होना जरूरी है और इसके साथ इट शुड हैव मोर देन टू बेडरूम्स। तो देखते हैं ये यस ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है एंड नंबर ऑफ जो बाथरूम है शुड बी ग्रेटर देन वन। ओके जी, ये एक रैकेट ने हमारी तमाम क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। सेकंड की तरफ आते हैं, ओके इसके नंबर ऑफ बेडरूम्स ग्रेटर देन टू है, यस, नंबर ऑफ बाथरूम ग्रेटर देन वन है, यस, ओके दिस इज आल्सो सिलेक्टेड। ये दो रैकेट सिलेक्ट कर लिए। अभी इसकी तरफ आते हैं, हाउस है, ओके नंबर ऑफ बेडरूम ग्रेटर देन टू है, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसी तरह ये हाउस तो है और ये दोनों फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है ना, ना ही बेडरूम ग्रेटर देन टू है और ना ही बाथरूम्स ग्रेटर देन वन है। सो वी आर लीविंग दीज टू रिकॉर्ड्स बिकॉज ये मेरे तीनों जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा। तो जो तीनों फुलफिल कर रहे थे हमारे पास ये दो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये वाले पूरे दो रिकॉर्ड, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अच्छा
आफ्टर अप्लाइंग द क्राइटेरिया, अब आपने देखना है कि वो शो क्या करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो शो के लिए आपने इस बॉक्स को देखना है। इस बॉक्स में उसने टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है प्राइस वाला और ब्रोशर नंबर वाले बॉक्स में टिक किया हुआ है। कहता है जी ये दो दिखाने हैं आपने, ठीक है। अच्छा जी मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट कर देता हूँ जरा ग्रीन। तो कहता है उसका प्राइस और ब्रोशर नंबर दिखाओ, यानी जो आपने शॉर्टलिस्ट किए रिकॉर्ड उनके अंदर से आपने उसके प्राइस और ब्रोशर नंबर दिखाना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। लेकिन प्राइस को कहता है साथ असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, ये उसकी आखिरी डिमांड थी, ठीक है। यानी छोटी प्राइस पहले और बड़ी बाद में। तो हमारा जो आंसर फिर फाइनली आ गया वो आ गया एज 13 और प्राइस है 399000 और सेकंड जो रिकॉर्ड है एज 10 और उसकी प्राइस है 450000। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहले आपने रैकेट को शॉर्टलिस्ट किया, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वो पूरे आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा शो क्या करना है, ओके जी मैंने उसको ग्रीन से कर लिया। और उसके बाद फाइनली कहता है कि प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी स्मॉलर प्राइस पहले शो करें और ग्रेटर बाद में शो करें, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अभी इसमें कह रहा जी कंप्लीट द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रिड बिलो टू सिलेक्ट एंड शो द ब्रोशर नंबर प्रॉपर्टी टाइप एंड प्राइस ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज विद अ गैराज बिलो $200,000। अभी ये कहता है क्वेरी आप बना दें, कंडीशंस उसने दे दी हैं, ठीक है। तो हमने इसको फुलफिल करना है। अभी हमने कोई आउटपुट नहीं लिखना बल्कि हम कंप्लीट करने चाह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा इसको सिर्फ कंप्लीट कर दें इस पूरे ग्रिड को। तो फील्ड उसने कौन कौन से किए हैं जी, हम देख लेते हैं पहले। ब्रोशर नंबर प्रॉपर्टी टाइप प्राइस गैराज, चार फील्ड्स हैं। सो एंटर द फील्ड नेम जी, यहाँ पे आप पहले ब्रोशर नंबर एंटर कर दें, ब्रोशर नंबर। अच्छा आपने ऊपर से देखना है कि उसके पूरा प्रॉपर नेम क्या है, ठीक है। तो आपको वो टेबल हेल्प करेगा। सेकंड है प्रॉपर्टी टाइप, ओके जी प्रॉपर्टी टाइप को हमने लिखा। और तीसरा है जी प्राइस, और एक उसने गैराज का कहा था। राइट जी, टेबल नेम जो है वो आपको ऊपर से नजर आ जाएगा। यहां पे उसने मैंने जो सबसे पहले हाईलाइट किया था वो है ये प्रॉपर्टी ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। तो टेबल नेम इज प्रॉपर्टी, तो वो आप यहां पे लिख देंगे प्रॉपर्टी। द सेम प्रॉपर्टी हियर हियर हियर, चारों में आप प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं उसने क्या कहा था, मैं कलर डिफरेंट लेता हूं। उसने कहा जी सिलेक्ट एंड शो, शो तीन चीजें करनी है, ये देखें। ब्रोशर नंबर प्रॉपर्टी टाइप एंड प्राइस, जब एंड कह दिया दैट मींस कि वो लास्ट वाली फील्ड से शो। तो आपने वर्डिंग से आइडिया लेना है कि कैसे वो कह रहा है, तो दैट मींस कि इन तीन को मैंने शो कर देना, ठीक है। अब बात आती है जी क्राइटेरिया उसका क्या है। क्राइटेरिया कहता है जी विद गैराज हो और प्राइस 200,000 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइस के क्राइटेरिया में हम लिख देंगे लेस देन 200,000, विद गैराज होगा तो आप उसको लिखेंगे यस। क्यों कि ये देखो जिनके साथ गैराज है वहां पे यस आपको नजर आ रहा है डेटा, ठीक है, जिस जिस प्रॉपर्टी के साथ है, ठीक हो गया। ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया, और बस इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
यहाँ पे जी एक और क्वेश्चन है, इसमें भी कहता जी अ डेटाबेस मार्क्स, अब ये नेम आपने याद रखना है ठीक है, डेटाबेस मार्क्स तो कैपिटल वर्ड्स में वो दे देता है डेटाबेस का नेम, जो कि आगे जब आप उसकी वो ग्रेड कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर कहता है ये पार्ट ऑफ द डेटाबेस है, यानी ये पूरा नहीं है, उसमें से थोड़ा सा ये पार्ट उसने उठा के ले आया है ठीक है। इसमें क्वेश्चन ए में पार्ट ए में कहता है गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट आर ईच रिकॉर्ड, तो फील्ड्स क्या होती हैं, कॉलम्स भी बताया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कहते स्टेट विच फील्ड यू वुड चूज फॉर द प्राइमरी की, तो इसमें क्लास आईडी, तो इसमें आईडी या नंबर या इस तरह की कोई आपको हिंट मिल जाएगा ठीक है। ओके, तो इसमें जी आ गया क्लास आईडी, एंड व्हाई इट इज यूनिक ज्यादातर पूछता है कि क्यों ये प्राइमरी की है, इसके रीजन बताएं, तो यही आप बताएंगे कि ईच एलिमेंट इन दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर या इज यूनिक ठीक है। तो एक मार्क इसका होता है और एक उसकी रीजन बताने का। नेक्स्ट पे कहता जी अभी द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रेड बिलो सिलेक्ट्स ऑल द स्टूडेंट्स विद मोर देन 60 मार्क्स इन हिस्ट्री और मोर देन 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी, तो इसमें अब क्या आउटपुट आएगा, कहता है शो व्हाट द आउटपुट। तो सबसे पहले मैंने बताया होगा क्राइटेरिया। अच्छा जब ये दो लाइनों में गिवन हो ना, तो देखो एक क्राइटेरिया यहाँ गिवन है और एक इस लाइन में गिवन है, जब ये दो डिफरेंट लाइंस में गिवन है तो दूसरी लाइन का मतलब होता है और का मतलब होता है अब ऑप्शन आ गई है कि अगर एक भी इनमें से ट्रू हो जाए उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है ना, दैट रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड, जैसे हिस्ट्री में 60 से ज्यादा हो या ज्योग्राफी में 60 से ज्यादा हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। तो देखें जी हिस्ट्री में इसके 60 से ज्यादा है, इसके ज्यादा है और ज्योग्राफी में इसके ज्यादा है ठीक है, इसका मतलब है अब ये दोनों रैकेट सिलेक्ट होंगे क्योंकि उसने और कहा था ठीक है, कि जिसके हिस्ट्री में हो या जिसके ज्योग्राफी में ज्यादा हो आप उसको सिलेक्ट कर लें ठीक है, एक भी ट्रू हो तो उसको भी सिलेक्ट करना है। और में अगर एक ही लाइन में होता ना, अगर इन केस यस यहाँ पे होता इधर ना होता, दैट मींस फिर ये एंड था, यानी दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक रैकेट सिलेक्ट होता इन दैट केस ठीक है, क्योंकि ये दोनों को फुलफिल कर रहा है ठीक है। अब क्योंकि इस तरह की बात उसने नहीं की इसलिए हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। ओके, इसके बाद शो क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट नेम, बाकी बॉक्सेस देखो खाली हैं, दैट मींस गोइंग टू शो द स्टूडेंट नेम ओनली, ये दो स्टूडेंट्स इन सिलेक्टेड रैकेट्स में से ठीक है। एंड लास्ट थिंग आपने देखना होता है ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो कहता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, तो नेम में असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, जो अल्फाबेट पहले आता है उसका नेम पहले लिखेंगे और जिस जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है वो बाद में लिखेंगे, इसका मतलब है पहले नंबर पे ये लिखेंगे और दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे, क्योंकि डी कम्स बिफोर पी, तो आंसर विल बी डियाना अबूर एंड पॉल स्मिथ, दैट्स इट, ये आंसर था इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले में डी पार्ट में कहता है जी कंप्लीट द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रेड बिलो टू सिलेक्ट एंड शो द स्टूडेंट नेम्स ओनली ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद लेस देन 40 मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश ठीक है। तो सबसे पहले आप फील्ड्स देख लें, किन किन फील्ड्स की बात की है ठीक है, स्टूडेंट नेम मैथ्स इंग्लिश ठीक है, तो इसका मतलब है आपने लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपने जरा छोटा करके लिखना है, ऑन स्क्रीन जरा मुश्किल होता है, मैथ्स
एंड इंग्लिश, ये पहले तो फील्ड आप सिलेक्ट करते हैं बिफोर अप्लाइंग द क्राइटेरिया। और टेबल नेम क्या होगा जी? ये क्लियरली मार्क्स, टेबल नेम या डेटाबेस नेम, मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स, तीनों में आपने लिखना है। अब उसने कहा था शो द स्टूडेंट नेम ओनली, सिर्फ नेम को शो किया, ठीक है। और जिसमें कहता है कि 40 मार्क्स, लेस देन 40 मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है, एंड का वर्ड उसने यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 40 इसमें, साथ ही लेस देन 40 इसमें, जिन जिन के हैं वो वाले कहता है आपने शो करना, लेकिन शो नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ क्वेरी हमने कंप्लीट करनी थी, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये आपका जी कंप्लीट हो गया।